तो आज का हमारा सफर होता है इन छोटी छोटी पहाड़ियों से, इन जंगलों से। तो हम जा रहे हैं भीमकुंड की तरफ। तो भीमकुंड जाने के रास्ता जो था वो गांव से गुजरा हुआ था। काफ़ी हरियाली देखने को मिलती है और यहाँ पर हमें कई लोग भी देखने को मिलते हैं। फाइनली हम पहुँच जाते हैं भीमकुंड में, और भीमकुंड का रास्ता यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ये बसाना गाँव के पास में है। ये बसाना गाँव होता है छतरपुर ज़िले में देखने को मिलता है, और जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है। अब हम यहाँ पर एंटर होते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा गांव वाला इलाका है। तो इन गलियों से हम जाते हैं, यहाँ पर हमें कई सारी मवेशियाँ भी मिलते हैं, कई सारे यहाँ पर देख सकते हैं, और इनका तो रहना ही भाई यहाँ पर है। अब यहाँ फाइनली हम पहुँच जाते हैं भीमकुंड। यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कुछ होगा, लेकिन अब हम यहाँ पर जाने वाले हैं अंदर की ओर। तो ये जो यहाँ पर छोटे से आश्रम भी बना हुआ है, जहाँ पर छोटे छोटे पंडित भी हमें देखने को मिलते हैं। और अब हम जाने वाले हैं कुंड के अंदर। ये देखिए, आप नीचे की तरफ जाने पर हमें कुंड देखने को मिलेगा। हम यहाँ सीढ़ियों से उतर हैं, और आप जैसे कि आप यहां देख पाएंगे, ये जो छोटी सी गुफा देखने को मिलेगी, हम इस गुफा के अंदर एंटर होते हैं। हमें यहां पर भीमकुंड देखने को मिलता है, और भीमकुंड का काफी बड़ा रहस्य है कि भीमकुंड भारत काल का कुंड है। भारत काल में देखा गया था कि यहाँ पर, ये देखिए छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ पर शिव जी का यहाँ पर मंदिर है। ये पानी का स्तर ज़्यादा है क्योंकि अभी बारिश का समय है, तो ये जो शिवलिंग है, ये मंदिर जो डूबा हुआ है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं भीमकुंड की। अब देखिए, हमें यहाँ पर भीमकुंड भी देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं सामने की तरफ में, दाएँ तरफ में भीमकुंड देखने को मिलेगा। ये कुंड है, यहाँ पर ये जो गुफाओं के नीचे जो कुंड बना हुआ है, यहाँ से पानी भी हमेशा रिश्ता रहता है। और ये कुंड भीम जी ने गदा मारकर बनाया था। उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। पांडव थे, द्रौपदी जी प्यास के कारण बेहोश हो गई थी, और बेहोश होने के अब पानी की अवस्था कहीं थी नहीं, तो उन्होंने जब गदा मारा तो देखिए गदे के जैसे ही ये निशान देखने को मिलता है, वहाँ से पानी का प्रवाह देखने को मिला। तब से ही इसका नाम भीमकुंड रखा गया। और वैज्ञानिकों के पता करने पर भी इस कुंड में अभी तक तल नहीं मिला है कि इसकी गहराई कितनी है। जब यहाँ पर गोताखोर जो भी होते हैं वो 40 मीटर की गहराई पर गए, उससे ज़्यादा आगे जा ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज धारा थी कि उसके अंदर जाना इम्पॉसिबल था। माना जाता है कि जैसा कि समुद्र की लहरों से इसका जो जुड़ाव हो, जैसे कि समुद्र से जुड़ा हो। तो आज तक वैज्ञानिक भी हैरान है कि इसका एक्चुअल रहस्य क्या है, कि कितनी गहराई एक्चुअल है कितनी, क्योंकि 40 मीटर के नीचे जाना इम्पॉसिबल है और तल भी नहीं देखने को मिला। यहाँ पर जो धारा है बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये जो सीन देखने को मिल रहा है ना, मैं ऊपर का सीन देखने को मिल रहा है जहाँ पर ये गदा मारा हुआ था। ये देखिए, हम जूम करके देखते हैं, नीचे का कुंड देखने को मिलता है। तो ऊपर साइड से कुछ ऐसा देखने को मिलता है, तो ये हमें नीचे कुंड ही देखने को मिलता है। अब हम निकलते हैं बाहर की ओर। तो ये बंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे पंडित जी भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बाहर की ओर जाते हैं जब हम, तो अब हम जटाशंकर धाम की ओर निकल जाते हैं। जटाशंकर और भीमकुंड का जो रास्ता है काफ़ी मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। यहाँ से जो जटाशंकर है 40 किलोमीटर समथिंग है। यहाँ से हम पूछते हुए निकल जाते हैं। अब गाय को देखो, ये अपना रास्ता बिल्कुल चेंज नहीं करती है। हमें अपनी कार को रोकना पड़ा, लेकिन हमें ही अपना रास्ता चेंज करना होता है। अपना रास्ता नहीं बदल सकती है, देखिए सामने भी गाड़ी को रोकना पड़ा, लेकिन ये अपना रास्ता चेंज नहीं कर सकती। ये जा रहे हैं भाई अपने क्योंकि फिर हम इन पहाड़ियों से निकल रहे हैं, क्योंकि जटाशंकर जो है वो पहाड़ पर स्थित है। अब हम पहाड़ से गुजरते हुए निकलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गहराई है। तो ये हम पहुँच चुके हैं फाइनली पहाड़ के ऊपर। अब ये जो जटाशंकर धाम है, देखिए भीमकुंड जो भी जाता है, जटाशंकर तो जाता ही जाता है क्योंकि इसका डिस्टेंस काफ़ी पास पास है। जटाशंकर धाम हम पहुँच जाते हैं, ये भी छतरपुर में ही है। अब इसका जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, ये जो धाराएं हैं ये पूरे झरनों से पानी निकल के आ रहा है, ये कुंड से पानी निकल के आ रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी कुंड देखने को मिलते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कुंड देखने को मिलते हैं। हमने बात की थी भीमकुंड की, तो ये जो जटाशंकर धाम है यहाँ पर जो हम कुंड की तरफ जाते हैं,
तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है, ये जो पानी का बहाव जो देखने को मिल रहा है, झरने से आ रहा है। ये देखिए, ये जो झरना है, मतलब यहाँ पर माना जाता है कि जटाशंकर की जटाओं से ये जो है निकला हुआ है, और इसमें होता क्या है, इसमें सारी बीमारियाँ भी नष्ट होती हैं। इसके पानी को पीने से बीमारियाँ नष्ट होती हैं, कुंड के पानी से नहाने से सारी बीमारियाँ नष्ट होती हैं। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे हमें कुंड देखने को मिल रहे हैं ना, 1, 2, 3 यहाँ पर कुंड देखने को मिलते हैं। इन कुंडों के पानी से लोग नहाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे कि इन कुंड के पानी से लोग कैसे नहा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो कुंड के पानी से नहाने से बीमारियाँ सारी दूर होती। इन बंदरों के तो मज़े ही कुछ और हैं, क्योंकि बंदरों को तो हमेशा यहाँ का पानी तो मिलता ही रहता है, और बहुत ही लकी हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये छोटी छोटी गुफा है, यहाँ गुफा के अंदर शिवलिंग बने हुए हैं। इस गुफा के जो ऊपर देखिए झरना भी है, मैं यहाँ पर अंदर एंटर होती हूँ, शिव जी के यहाँ पर प्रणाम करती हूँ, झरने से क्रॉस होती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है ये झरने से, मतलब झरने के अंदर गुफा है, ये देख सकते हैं हम। यहाँ पर लोग बहुत अच्छे से नहाते हैं, काफ़ी तेज प्रवाह है ये, जो माना जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि शिव जी के जटाओं से निकला हुआ है ये पानी। और यहाँ पर देखिए, बंदर भी पानी पी रहे हैं भाई, मज़े ले रहे हैं। ये देखिए, ये छोटी सी बच्ची ने उससे परेशान किया तो वो भी परेशान हो गया था। अब ये जो है ना, यहाँ पर भी नहा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर झरने और कुंड का पानी बहकर आता है, कि यहाँ पर लोग अच्छे से नहा सकें, अच्छे से स्नान कर सकें। बंदर तो यहाँ पर स्नान कर ही रहे हैं भाई, लड़ते लड़ते देखो पानी ये बंदर अपने गिर जाते हैं और फिर काम कर रहे हैं। और यहाँ का व्यू जो शाम को देखने को मिलता है, पहाड़ में सनसेट जब हो रहा है ना, तो कितना प्यारा व्यू है, हरियाली हरियाली है पहाड़ में, क्योंकि स्थित है जटाशंकर धाम। और ये देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है। और यहाँ की जो हम मिठाई लेते हैं, प्रसादी लेते हैं, यहाँ की जो मिठाई है काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इस मिठाई का भी हम सेवन करते हैं, हम मिठाई भी लेते हैं 2 तरह की। अब हम निकल जाते हैं बागेश्वर धाम की ओर, क्योंकि जटाशंकर भीमकुंड और बागेश्वर धाम ये पास ही पास है। बागेश्वर धाम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये भी छतरपुर में ही स्थित है। तो गड़ा, जो गड़ा के बालाजी महाराज हैं, तो ये जो हमें 4 किलोमीटर अंदर देखने को मिलेगा, गड़ा हम जाने वाले हैं, तो ये भी गांव में स्थित है बागेश्वर धाम। तो गड़ा एक गांव है, गड़ा के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पर हम एंटर होते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, 9 समथिंग बजने वाले थे। हम यहाँ पर प्रसादी लेते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ के अंदर जाते हैं तो हम यहाँ पर और भी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर दरबार है, ये दरबार जहाँ पर दरबार लगता है वो हॉल है। यहाँ पर प्रसादी मिलती है, जो नारियल ये तो देखने को मिल रहे हैं, इसमें अर्जी लोग लगाते हैं नारियल को बांध के। ये देखिए, हनुमान जी का हमें यहाँ पर गदा भी देखने को मिलता है। अब हम एंटर हो चुके हैं मंदिर की तरफ, तो मंदिर के अंदर हम जाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रणाम करते हैं, यहाँ पर हनुमान जी के गदे को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर शनिवार मंगलवार को सिद्धि प्राप्त होती है, मतलब लोग अर्जी लगाते हैं, वैसे तो हमेशा अर्जी लगती है। पुराने राम मंदिर में हमें भभूति प्राप्त होती है, हम भभूति लेते हैं यहाँ पर। और अब हम जाते हैं गड़ाज के हनुमान जी के मंदिर की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग अपनी अपनी अर्जी लगाते हैं, यहाँ पर लाल कपड़े में बांधकर नारियल बांधते हैं, यहाँ पर लोग अर्जी लगाते हैं, और लोगों की पेशी भी होती है। लोग मंगलवार शनिवार को आते हैं अपनी पेशी करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि ये ऑटोमेटिक ही जो भी अर्जी लगाता है उनको खुद ही साक्षात बालाजी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। और हमें ये देखिए सेवा करने का मौका प्राप्त होता है, तो यहाँ पर नारियल को जो भी अर्जी लगाते हैं, तो इन नारियल को इकट्ठा रखा जाता है उनको, कि जिसका भी टर्न आता है तो उसकी अर्जी लग जाती है। तो ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ पर ये सेवा प्राप्त की। अब ये जो पेड़ की बात करते हैं ना, इस पेड़ में अगर किसी को नेगेटिव एनर्जी है या फिर कोई प्रेत आत्मा है, तो उसको चिपकने से वो सारी दूर हो जाती है। तो इस पेड़ में ये सिद्धि है, ऐसा माना जाता है, लोगों ने ऐसा देखा भी है। और यहाँ पर देखते हैं, ये जो लोग देखे यहाँ पर दरबार के लिए पहले से ही, रात से ही यहाँ पर अपना बसेरा बना के हुए हैं, कि यहाँ पर जैसे ही द्वार खुलेंगे तो हम एंटर हो जाएंगे। तो ये द्वार खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं भाई, भक्त हैं।
हनुमान जी के, और यहाँ पर भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था की जाती है कि बाहर से कई भक्त आते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पर भोजन प्रसादी की भी यहाँ पर उत्तम व्यवस्था है। तो हमने भी यहाँ पर प्रसादी ली, शाम का प्रसाद हमने किया, लास्ट में हम सन्यासी बाबा